वेलकम बैक गाइस टू यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन आज हम प्रीव्यू करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैच जो कि पर डेरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है क्या कुछ जरूरी टीम से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और लाइनअप्स रहने वाले हैं आज हम उस बारे में डिस्कस करने वाले है इसी वीडियो में साथ ही साथ ये मैच बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है हम सारे ही क्रिकेटिंग फैंस के लिए और साथ ही साथ फैंटेसी प्लेयर्स के लिए सो आपको एंड तक जरूर देखना है बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके लिए हम लोग लेके आए हैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसके पीछे और अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो हमारे नॉलेज जो हमने प्रोवाइड किए तो एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो क्योंकि आगे बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेज़ आ रहे हैं और बहुत सारे बड़े और बहुत ही अच्छे और हेल्दी मैचेज आ रहे हैं फ्रेंड्स सो तो उन सब पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है और अगर आपको जेनली अगर फैंटेसी में पैसे कमाना है तो ये मैचेस खेलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एकदम प्रोफेशनल मैचेस होते हैं ये और इसके अंदर कोई चीट वगैरह होने के चांसेस नहीं होते तो ये एंड तक वीडियो भी आपको पूरा देखना है और सब्सक्राइब भी करना है ताकि आप आगे आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो सो so फ्रेंड्स हम लोग मैच डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये मैच वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया तो का मैच है यहाँ पर अभी अभी ही यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ वर्सेज साउथ अफ्रीका का मैच मतलब सीरीज़ खत्म होकर आई है और अभी वापस वेस्ट इंडीज़ में ही ये सीरीज़ खेले जाने वाला है वेस्ट इंडीज़ वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का वेन्यू के बारे में बात करें तो सैमी नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है सेंट लूसिया में डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो डेट टेंथ जुलाई जो कि कल है सुबह साढ़े सुबह पाँच बजे नॉट साढ़े माफ़ कीजिएगा सुबह पाँच बजे खेला जाने वाला है और लोकल टाइम के बारे में बात करें तो नाइन जुलाई सेवन थर्टी से खेला जाने वाला है लोकल टाइम वेस्ट इंडीज़ में सो फ्रेंड्स यही कुछ आ, है जो कि आपको देखने मिलने वाला है देन पिच रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो पिच है डेरेंसमी स्टेडियम हैज़ ऑलवेज बीन अ बैटिंग पैराडाइज इन टी ट्वेंटी फॉर्मेट तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैटिंग फॉर्मेट रहने वाला बैटिंग पैराडाइज रहने वाला है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है बैट्समैन को और ऊपर से वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ पर खेलने वाली है प्लस ऑस्ट्रेलिया के कुछ हार्ड हिटर्स और पावर हिटर्स खेलने वाले तो हमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बड़ा स्कोर देखने मिलने वाला है फ्रेंड्स कोई बात करें बैट्समैन विल लुक टू एक्सप्लोर द फ्लैट डेक एंड गो ऑल आउट अगेंस्ट द बॉलर्स द वो टीम्स फीचरिंग अ स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप एंड द फैंस अशोर अश्योरेंस दैट इट विल बी हाई स्कोरिंग मैच मतलब दोनों ही टीम्स की बहुत ज़्यादा तगड़ी बैटिंग लाइनअप है और वो अश्योर करती है हमें गारंटी देती है कि अच्छा खासा हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलने वाला है फ्रेंड्स सो so, ये कुछ सब पिच रिपोर्ट में आपको एक बात ध्यान में रखना है वापस से कि आपको यहाँ पर लेना है ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो वेदर तो ऐसे क्लियर रहने ही वाला है तो हम लोग पूरा ही मैच यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स प्रोबेबल इलेवन के बारे में अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ का इलेवन कुछ ऐसा रहने वाला है इवान लुइस लैंडन सिमंस क्रिस गिल शिमरॉन हेटमार निकोलस पूरन कैरन पोलार्ड आंदोरे रसल फैबेन एलन द्विन ब्रावो ओबेद मैको और फेडल एडवर्स ये कुछ हमें प्रोबेबल एवन देखने मिलने वाला है फ्रेंड्स वही अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की अपनी टीम बी जो रहती है ना उस टाइप की टीम लेके कहा नॉट ये लोग बोल नहीं रहे लेकिन इनकी टीम वैसी ही लग रही है क्योंकि इनकी टीम में स्टीवन स्मिथ नहीं है मार्नेश लैपोशीन नहीं है डेविड वॉर्नर नहीं है देन पैट कमिंस नहीं है बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं सो ऑलमोस्ट इनके लिए एक टेस्ट है जो अभी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप आने वाला है उसके लिए टीम टेस्ट कर रही है कि कौन ज़्यादा काबिलियत है अपनी टीम में खेलने के लिए इंटरनेशनल के लिए सो उसी तरह का मैच हमें देखने को मिलने वाला है इनकी तरफ से लेकिन ये जो टीम लेके आई ये कोई इतनी वीक टीम नहीं है प्रॉपर ही टीम नजर आ रही है अगर हम देखें तो कप्तान यहाँ पर आयरन फिंच करते हुए नजर आएगा और ओपन ही करेंगे उनके साथ मैथ्यू वेड या तो फिर हमें एलेक्स कैरी इन दोनों में से कोई एक ओपन करते हुए नज़र आएगा ये दोनों स्विच भी हो सकता है आ, एक से दो साल पहले यहाँ पर आयरन फिंच और एलेक्स कैरी ओपन कर रहे थे लेकिन अभी आ, कुछ पता नहीं है डी देन दे, दे, मिर्चल मार्च आगे हाँ वन डाउन और कुछ पार्ट टाइमिंग बॉलिंग भी करेंगे दो से तीन ओवर या एक से दो ओवर इंपॉर्टेंट प्लेयर है अगर खेलता है बंदा तो ज़रूर आपको आपकी टीम में लेना चाहिए मॉयजेस हेनरी क्यूज आएगी टू डाउन पे देन आएगा ना देन आई गए एलेक्स करी देन आएंगे मोएजेस एनजी क्यूज मोइजेस बहुत ही जोरदार बैट्समैन है इन्हें बहुत लोग स्किप करने वाले लेकिन मैं आपको बताऊंगा इन्हें हमें स्किप नहीं करना है एटलीस्ट मॉल लीग में डैन क्रिस्टन मिचल स्टाक रिलियम मेरिडेड जॉस हिजलुड एस्टन अगर और एडम साम्पा ये कुछ इनकी प्रोबेबल एवं रहने वाली है आप देख सकते हैं इनके सीनियर बॉलर्स तो मतलब सिर्फ एक ही है ऐसे देखा जाए तो मिचल मार्च मिचल स्टार्क बाकी तो जो इनके प्रॉपर बॉलर है वो तो नहीं खेल रहे फिर भी इनकी बॉलिंग लाइन बहुत ज़्यादा तगड़ी नजर आ रही है फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करें हेड के बारे में तो ओवरऑल इन दोनों ही टीम्स में ग्यारह मैचेज हुए अभी तक हालांकि मतलब हाल ही छः वेस्ट इंडीज़ ने जीते पाँच ऑस्ट्रेलिया ने जीते तो आप देख सकते हैं वेस्ट इंडीज़ का पकड़ा पहले से भारी है प्लस इनके होम ग्राउंड में मैच है प्लस ऑस्ट्रेलिया की टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए थी देन वेस्ट इंडीज़ हैज़ अ विनिंग रेशियो फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव फोर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो आप देख सकते हैं मोर देन फिफ्टी परसेंट फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव यहाँ पर विनिंग रेशियो है यहाँ पर किसका वेस्ट इंडीज़ का सो तो आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ बात वही मैं अगर बात करूँ वेस्ट इंडीज़ वर्सेज़ ऑस्ट्रेलिया इन वेस्ट इंडीज़ इन दोनों ही टीम ने जब जब वेस्ट इंडीज़ में खेले तो अभी तक चार मैचेस खेले जिसमें से दो वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं दो ऑस्ट्रेलियन जीते हैं तो 50 50 परसेंट रेशो है ज़्यादा कुछ किसी का भारी कम नहीं है लेकिन हाँ ज़रूर कल के इस मैच में मुझे ऑस्ट्रेलिया की आ, वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग और वेस्ट इंडीज़ की टीम जीतती हुई नजर आ रही है बाद में पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कुछ कम नहीं है वेस्ट इंडीज़ के बारे में बात करूँ सिंस टू ट्वेंटी सिक्सटीन वर्ल्ड कप दो हज़ार सोलह के वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज़ ने फिफ्टी एट या फिर टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैचेस के लिए जिसमें से सिर्फ बीस जीते थर्टी फोर हारी है टाई एक भी नहीं है नो रिज़ल्ट जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं दो हज़ार सोलह के बाद वेस्ट इंडीज़ थोड़ी सी हमें लॉस लॉस नज़र आई दो हज़ार सोलह विन किया था इन्होंने उसके बाद थोड़ी सी हमें डाउन जाती हुई नज़र आई लेकिन अभी इनकी सीनियर प्लेयर्स सारे ही वापस आ चुके हैं टीम में सो हमें एक प्रॉपर इनकी अच्छी खासी कम देखने को मिल सकता है वही मैं अगर बात करूँ ऑस्ट्रेलियन टीम के, में, सोला के बारे में दो हज़ार सोलह के बाद तो फोर्टी एट मैचेज इन्होंने खेले हैं ट्वेंटी सेवन मैचेज जीते हैं उन्नीस मैचेज हारे हैं। टाई जीरो हुआ है और दोनों रिजल्ट्स आए तो आप देख सकते हैं यही ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने तगड़ी यहाँ पर अच्छी खासी जीत दर्ज की अपने नाम 2016 के वर्ल्ड कप के बाद सो ये कुछ है आपको ध्यान में रखना है ज़रूर से ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में बैठ जाती है और वो कभी कभी आपको जेल जितवा सकता है सो एक आपको ध्यान में रखना है आपको वीडियो पूरा ही देखना है कभी कभी एंड टाइम में अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो तो आपको कुछ याद आ जाता है कि हाँ वीडियो में ऐसे सुना था वगैरह सो अब वो चेंजेस के कारण भी आपका बहुत सारा कुछ बदल सकता है फ्रेंड्स इसीलिए बोलता हूँ एंड तक देखिए अगर देखना नहीं तो एटलीस्ट सुन ही सकते हो आप देन आगे मैं बात करूँ प्लेयर्स टी ट्वेंटी स्टार्ट के बारे में तो वेस्ट इंडीज़ के अगर मैं बात करूँ क्रिस गिल जो कि हमें वन डाउन बैटिंग करते हुए नज़र आने वाले हैं ऑलमोस्ट ओवरऑल uh, इन 64 फोर मैचेस करिए ट्वेंटी ट्वेंटी इंटरनेशनल में वन सेवन जीरो वन रन स्कोर किए एक सौ सत्रह का हाई स्कोर है तेरह पचास दो शतक एक सौ चालीस का स्ट्राइक रेट और थर्टी का एवरेज है फ्रेंड सो so आप देख सकते हैं प्रॉपर बैट्समैन है और नीचे मैं आपको और बताने वाला हूँ कि क्रिस गिल का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या है यहाँ पर सीन क्या करता है ये बताया सो so आपको ध्यान देना है इसके ऊपर इसको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है अभी बता देता हूँ इवान लुइस इवान लुइस के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल थर्टी नाइन मैचेज इन्होंने खेले ट्रिपल वन फाइव रन स्कोर के वन ट्वेंटी फाइव का हाई स्कोर है थर्टी टू पॉइंट वन का एवरेज है वन फिफ्टी सेवन पॉइंट टू का स्ट्रैकेट है सात पचास और दो शतक इन्होंने जड़े हैं यहाँ पर लंडन सीमेंस के बारे में बात करूँ तो पर्सनली मुझे बंदा बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन आई में तो इसका जोरदार परफॉर्मेंस रहता है लेकिन वेस्ट इंडीज़ के सामने थोड़ा सा यहाँ पर गिरते हुए हमें नजर आता है जब जब वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं लेकिन Uh, बड़ा प्लेयर है किस दिन भी कुछ भी कर सकता है वन डबल थ्री वन रन है इनके नाइन्टी वन का हाई स्कोर है ट्वेंटी नाइन का एवरेज है वन टन ट्वेंटी फोर का स्ट्राइक रेट है आज एट फिफ्टीज़ इन्होंने जड़ चुके हैं निकोलस पूरन के बारे में बात करूँ तो तीस मैचेस इन्होंने खेले हैं फोर थर्टी फोर रन स्कोर के फिफ्टी एट का हाई स्कोर अठारह पॉइंट सिक्स का एवरेज है वन ट्वेंटी टू का स्ट्राइक रेट है शिमरॉन हेटमार के बारे में बात करूँ तो ट्वेंटी नाइन मैचेज में चार सौ तीन रन सौ का हाई स्कोर है छब्बीस का एवरेज है वन वन सिक्स पॉइंट फाइव का स्ट्राइक रेट है अब फ्रेंड्स हमें कल के मैच में क्या देखने मिल सकता है कल के मैच में हमें ये दोनों ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं ये वन डाउन आने वाली ये तीन तो फिक्स है अब यहाँ से जो नीचे का ऑर्डर रहने वाला है वो हमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हुए नजर आने वाले जैसे कि शिमरान हटमर हमें ऊपर आते हुए नजर आने वाले हैं और मोस्टली मुझे लगता है कि निकोलस पूरन या पर आंध्र रसल या तो फिर करन पोलाड के नीचे बैटिंग करते हुए नज़र आने वाले केरन पोलाड या रसल ऊपर आते हुए हमें नज़र आने वाले ऐसा मुझे लगता है ऐसा मुझे प्रतीत होता है सो ये एक जज है कि आप कल के इस मैच में निकोलस पूरन को थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं लेकिन एंड में वेस्ट इंडीज़ की टीमें कुछ भी कर रही है और कुछ भी कर सकती है तो कुछ बोल नहीं सकते हैं बस चला तो वन डाउन पर ही आ जाएगी <clears> Thank <throat> you. देन बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन कैरन पोलार्ड के बारे में जब से कप्तानी मिली है तब से जोरदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अपनी टीम का जो विनिंग रेशियो है नॉले वो भी बहुत ज़्यादा सुधरा है इसके पहले थे जेसन होल्डर उसके पहले थे शायद से ब्रागो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं सो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर ही और कैरन पोलार्ड ने सिक्सटी एट मैचेस खेले वन थ्री टू ज़ीरो रन स्कोर के सेवेंटी फाइव का हाई स्कोर है छब्बीस का एवरेज है वन थर्टी एट का स्ट्राइक रेट है छः पचास चढ़ चुके थर्टी एट विकेट्स ले चुके हैं आप देख सकते थर्टी एट विकेट्स और बहुत ज़ोरदार प्लेयर है ऑलराउंडर प्रीमियम प्लस आपको कैचिंग से फ्रेंड्स आठ से सोलह पॉइंट्स आपको निकाल के दे सकता है बंदा सो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है वहाँ से भी रहने वाला बॉलिंग करता तो आपको एक विकेट निकाल के दे सकता है वहाँ से भी इंपॉर्टेंट बैटिंग भी आती है जल्दी तो वहाँ से भी आपको बीस से निकाल के दे सकता है प्रीमियम ऑलराउंडर है इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है आंध्रे रस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कोई हमें डिस्क्रिप्शन नीड नहीं है 53 मैचेस के लिए 602 सौ दो रन स्कोर किए हैं 47 सेवन का आज करें, 152 वन का स्ट्राइक रेट 30 विकेट इन्होंने चटका रेगुलर बॉलिंग कर रहे तीन से चार ओवर पर मैच डाल रहे हैं द्विन्न ब्रावो के बारे में बात करूँ सिक्सटी सेवन मैचेज इन्होंने खेले वन वन सिक्स सेवन रन स्कोर किए वन वन फाइव का स्ट्राइक रेट सिक्सटी सिक्स का हाई स्कोर है चौबीस का एवरेज है चार पचास और सेवेंटी वन विकेट्स तो आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका दौरे में इन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी दो एक मैच में तीन विकेट और एक मैच में शायद चार विकेट चटका दिए थे इंपॉर्टेंट प्लेयर अच्छी लय हमें नज़र आ रहे हैं जैसन होल्डर के बारे में बात करूँ तो आज हो सकता है वापस इन्हें खेलने का मौका मिल जाए सत्रह मैचेस में वन नाइनटी का हाई स्कोर का हाईस्कोर है और अठारह विकेट लिए ऑलमोस्ट हर मैच में आपको विकेट निकाल के देते हैं स्टार्ट में अच्छी खासी बॉलिंग कर देते हैं फैबन एलन फैबिन एलन को आपको जरूर रखना है आपकी टीम में अगर यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है और फैबेन एलन खेलता है तो फैबन एलन को ज़रूर लेना क्योंकि इस बंदे को यहाँ पर फर्स्ट बॉलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स आपको ये बात ध्यान में रखना है जरूर आपको एक से दो विकेट निकाल के दे सकता है अगर फर्स्ट बॉलिंग करता है तो देन क्वार्टरल क्वार्टरल का अपर साउथ अफ्रीका के साथ तो चांस नहीं मिला था लेकिन हो सकता है इस सीरीज़ में इस मैचेस में चांस मिल जाए तीस मैचेस खेले थर्टी सेवन विकेट्स लिए हैं इकोनॉमी रेट आठ का है फिडल एडवर्ड्स के बारे में बात कर तो लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका तो के फाइनल मैच में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग थी जहाँ सारे ही बॉल मार खा रहे थे वहाँ पर इन्होंने ब्रेक थ्रू दिखाया दिलाया था और एंड में भी विकेट लिया था जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है तेईस मैच में सत्रह विकेट्स है एट पॉइंट थ्री की इकोनॉमी इनकी भी है ओबे मैको इन्होंने पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ को क्रिकेटिंग फैंस को नौ मैच में तेरह विकेट्स है सेवन पॉइंट एट वन की इकोनॉमी रेट है और ये बंदा जो है स्लो बॉल डालता है वेरिएशन बहुत तगड़ी करता है सो इज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड मस्ट पिक प्लेयर टू अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में अगर हम बात करें तो एरन फ्रेंड जो कि हमें ओपन करते हुए नजर आने वाला है 71 वन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैचेस खेले 2, 3, 4, है टू थ्री फोर सिक्स रन स्कोर किए हैं 38.5 के एवरेज है स्ट्राइक रेट 152 का है तो आप देख सकते हैं कितना जोरदार परफॉर्मेंस है प्लस सीनियर बैट्समैन अपनी टीम से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है बंदा और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें प्रेशर थोड़ा सा देखते हुए नजर आएगा कुकल यही एक है जो मतलब ऐसे सारे एक्सपीरियंस्ड है और इन सब प्लेयर्स के साथ खेल रहा है सो so, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ज़्यादा निर्भर रहने वाली ऑस्ट्रेलियन की टीम ज़रूर आपको इनके कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता है पर्सनली मुझे लगता है कि थर्टी प्लस स्कोर आपको करके दे सकता है बंदा मैथ्यू वेड के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल थर्ट एट मैचेस खेले हैं फाइव ट्वेंटी एट रन है इक्कीस का एवरेज है वन ट्वेंटी सिक्स का स्ट्राइक रेट है मैथ्यू वेड यहाँ पर आ, कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया के मिडल ऑर्डर में खेला करते थे लेकिन अभी वार्नर नहीं है यहाँ पर सो इन्हें ओपन करने का मौका मिल सकता है या तो इन्हें या तो एलेक्स कैरी को मिठल मार्श के बारे में बात करूँ तो हो सकता है या तो ये या तो हेनरी हैं समय वन डाउन बैटिंग करते हुए नजर आने आ जाए 20 मैचेस इन्होंने खेले हैं 325 रन स्कोर ट्वेंटी 21.7 का एवरेज है एक का स्ट्राइक रेट है सात विकेट चटका है प्रीमियम में बी में बहुत जोरदार परफॉर्मेंस करते हैं पर्स कॉचर्स के लिए खेलते हैं पर्स कॉचर्स ने इनको पाँच साल के लिए आगे और रिन्यू कर दिया है सो आप देख सकते हैं कितना भरोसा करती है टीम्स इन पर एलेक्स कैरी यहाँ पर तीस मैचेस के लिए वन सेवेंटी सिक्स रन स्कोर के बारह का ही एवरेज वन सेवन सिक्स का स्ट्राइक रेट है अब यहाँ पर कैरी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कैरी ने यहाँ पर ओपन करने का इन्हें अच्छा खासा चांस भी मिला था तीन से चार महीने यहाँ पर जब वार्नर को वहाँ पर बैन लगाया गया था तो फिंच के साथ ओपन भी करते थे लेकिन वहाँ पर अच्छे इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे सो आ, हो सकता है वापस से नीचे बैटिंग करते हमें नज़र आ जाए मॉजि सेंचुरी के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल चौदह मैचेज इन्होंने खेले दो सौ बीस रन स्कोर के थर्टी वन पॉइंट फोर का एवरेज है वन थर्टी फाइव का स्ट्राइक रेट सात विकेट इन्होंने भी झटका है पार्ट टाइमिंग बॉलिंग करते हुए मैं ये भी नजर आ सकते हैं एक से दो ओवर में इनसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ओवर सॉरी माफ़ करिएगा विकेट नहीं आस्टन एगर के बारे में बात करूँ तो आस्टन एगर पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है 32 मैचेस में 176 सेवेंटी सिक्स रन थर्टीन पॉइंट फाइव का एवरेज एक सौ बारह का एवरेज थर्टी एट विकेट्स है मतलब आपको ऑलमोस्ट हर मैच में एक विकेट निकालने के देने की क्षमता रखता है प्लस सेकेंड बॉलिंग करेगा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा डैन क्रिस्टर के बारे में बात कर तो इन्हें कल चांसेस मिलने के फुल ज़्यादा चांसेस है सोलह मैचेज में ट्वेंटी सेवन रन से इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देख सकते हैं दुनिया भर की टी ट्वेंटी लीग्स खेल के आए बंदा लेकिन अपने नेशंस के लिए बहुत कम खेला है और उनकी एवरेज भी इतनी खाची कुछ ज़्यादा खास नहीं है स्ट्राइक रेट भी नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर की है और यहाँ पर ग्यारह विकेट इन्होंने चटकाया है मिचेल साक के बारे में बात करें तो थर्टी फाइव मैचेज में फोर्टी सेवन इन्होंने लिए नाइनटीन पॉइंट फोर का एवरेज है सिक्स पॉइंट नाइन फाइव की इकोनॉमी है रियली मेरीरेट के बारे में बात करें तो तीन मैच में चार विकेट इन्होंने लिए बीस का एवरेज है सात की इकोनॉमी है जॉर्ज हेजलवुड के बारे में बात करें तो नौ मैच में नौ विकेट थर्टी की एवरेज है नाइन पॉइंट नाइनटीन की इकोनॉमी है फ्रेंड्स एडम सिंपा के बारे में बात करें तो फोर्टी वन मैचेज में फोर्टी थ्री विकेट्स है ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन के एवरेज और सिक्स पॉइंट नाइन टू की इकोनॉमी रेट है सो so, यही कुछ था हमें दोनों ही टीम्स के स्टार्ट एंड ऑल ये आपको ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट है चाहिए तो आप वापस बैक जाके आपके एक रफ बुक में जरूर लिख सकते हैं वीडियो को पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें कमेंट्स हमको मोटिवेशन मिलने वाला है आपके अब बात करते हैं एच बैट्समैन के बारे में एच्रेज बैट्समैन में मतलब किसका ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है क्रिस गिल ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आठ इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और इनिंग्स खेला है टू नाइनटी नाइन रन खोर के फोटी टू पॉइंट सेवन का एवरेज दे रहे एट्टी एट का हाई स्कोर चार शतक अर्ध अर्ध शतक जड़ चुका है so सो आप देख सकते हैं हर दूसरे मैच में शतक जड़ता है बंदा वर्सेज ऑस्ट्रेलिया दो इन के बारे में बात करें तो आठ इनिंग्स इन्होंने भी खेले वन सेवेंटी नाइन रन स्कोर के ट्वेंटी नाइन का एवरेज थर्टी सेवन का हाई स्कोर है जीरो पचास है बैटिंग अच्छी कर रहा है ये तो बैट्स बाट, बैट्समैन का है फ्रेंड्स इसमें दो इन का नाम है आयरन फिंच के बारे में बात करते तो दो इनिंग्स इन्होंने खेले बीस रन स्कोर के दस का एवरेज है सोलह का ही हाई स्कोर है और यहाँ पर जीरो पचास जड़ सके वर्सेज़ वेस्ट इंडीज़ तो आप देख सकते हो थोड़ा सा पर स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन हो सकता है ये इनका कुछ और आंकड़ा भी हो हमें यहाँ देखने मिले मैथ्यू वेड के बारे में बात करूं दो इनिंग्स इन्होंने खेलिए अठारह रन इन्होंने स्कोर के उन नौ का एवरेज है सत्रह का हाई स्कोर है जीरो पचास जड़ है इन्होंने किरण पोलार्ड के बारे में बात करूँ तो आठ इनिंग्स वन फिफ्टी नाइन रन बाईस पॉइंट सात का एवरेज है फिफ्टी फोर का हाई स्कोर है और एक पचास इन्होंने जड़ा है यहाँ पर लंडन सिमन्स के बारे में बात करूँ तो दो इनिंग्स इन्होंने खेली है थर्टी वन रन स्कोर के पंद्रह का एवरेज है छब्बीस का हाई स्कोर है जीरो पचास जड़े तो ये कुछ था बैटिंग सेक्शन से जो जो थोड़े से इंपॉर्टेंट लगे उनके बारे में बता दिया मैंने बाकी तो जो मेन प्लेयर है जैसे कि यहाँ पर फ्लैचर हो गए या तो फिर एलेक्स कैरी हो गए इन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ कुछ खेलना नहीं है तो उनके मुझे रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं फ्रेंड्स आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बॉलिंग स्टार्ट के बारे में तो केरन पोलार्ड ने सात ओवर्स सात इनिंग्स के लिए सात इनिंग्स में बॉलिंग की है सात विकेट छटका है जब जब बॉलिंग करना है तब तक विकेट छटका है ऐसा समझ में आ रहा है पंद्रह का एवरेज है सात की इकोनॉमी पंद्रह का एवरेज है आप देख सकते हैं पंद्रह हर पंद्रह रन देखिए एक विकेट चटकाने की काबिलियत रखता है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कितना इंपॉर्टेंट बंदा हो सकता है आपको ये ध्यान में रखना है और मोस्टली मुझे लगता है आपस कल भी बॉलिंग करेगा ये और क्रिस गिल की भी मुझे फुल चांसेस नज़र आ रहे हैं बॉलिंग करने के द्विन ब्रावो ब्रावो आठ इनिंग्स में आठ विकेट लिए है वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ट्वेंटी का एवरेज है सेवन की इकोनॉमी है फिडल एडवर्ड्स फिडल एडवर्ड्स ने चार इनिंग्स खेले छः विकेट लिए वर्सेज ऑस्ट्रेलिया चौदह का एवरेज दे रहा है सेवन पॉइंट वन की इकोनॉमी दे रही है तो अब एक बात आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर जो बॉलर्स से वेस्ट इंडीज़ के बहुत ही जोरदार और तगड़े अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे हैं वर्ष बॉलिंग के साथ भी सो ये ध्यान में रखना मिचे स्टाक के बारे में बात करूँ तो तीन इनिंग्स इन्होंने खेली है हैं छः विकेट्स इन्होंने लिए उन्नीस का एवरेज है नाइन की इकोनॉमी है देन फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ ड्रॉस हेजलवुड के बारे में तो एक इनिंग में एक विकेट इन्होंने लिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ छत्तीस का एवरेज और एक नौ की इकोनॉमी सो ये ध्यान में रखना है आपको ज़रूर से वेस्ट इंडीज़ के सामने थोड़े से पिट जाते हैं आगे अगर मैं बात करूं तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन के बारे में बात करूंगा आयरन फिंच न यहाँ पर अच्छी खासी मुझे लगता है इनके सामने एवरेज भी है तो नॉट एवरेज बट ओवरऑल टी ट्वेंटी स्टैच देखें हमें इन पर भरोसा कर सकते हैं आंध्र रसल को ले सकते हैं ईवर लुइस को ले सकते हैं एज अ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन इसकी कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन के अगर बात करूँ तो केरन पोल एशन अगर ओबे मैकॉय अब आ, स्पिनर्स जो है ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की सारे ही हिटर्स यहाँ पर थोड़े से स्पिनर्स को स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं चाहे वो आंद्रे रसल हो चाहे वो किरण पोलार्ड हो चाहे वो कोई भी हो थोड़े से स्पिनर्स को स्ट्रगल हमेशा से ही करते वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स सो ये कुछ था हमारा प्रिव्यू मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपने लाइक कर दिया होगा नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स अभी चलते हैं हमारे ड्रीम इलेवन टीम की और उसके पहले बता दूँ अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं ऐप और रॉक स्टार इलेवन आपको अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो रॉक स्टार इलेवन ऐप को भी डाउनलोड कर दिए स्पोर्टसी को भी डाउनलोड कर कीजिए वहाँ पर रेगुलर गिव अवेज दे रहे हैं हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल में सब कुछ डिटेल्स मिल जाता है सो वहाँ पर आपको ज्वाइन होना है और वहाँ पर खेलना स्टार्ट करना है स्पेशली एस थ्री मेंबर्स लीग याद रखिए थ्री मेंबर्स लीग आपको ऑपर खेलना अगर आपको इजी विनिंग्स करनी है तो सो लेस कंपटीशन है इजी विनिंग्स होने के फुल ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू ड्रीम इलेवन एंड अदर एप्लीकेशनस तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए टेम्प्रेरी टीम हमारी यही बनी है फाइनली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा दस मिनट पहले डेडलाइन के विकेट कीपिंग सेक्शन से हमें लिया है मैथ्यू वेड को बैटिंग सेक्शन से लिया मोर्जेस हेजी क्यूज को क्रिस गेल को एरन फिंच को इवान लुइस को ऑलराउंडर सेक्शन से लिया है एश्चिन एगर को मिचल मार्श को आंध्र रस को बॉलर सेक्शन से लिया फिडल एडवर्ड्स को मिचल और ओबे मेक को कैप्टनसी मैंने यहाँ पर दी है क्रिस गेल को वाइस कैप्टनसी किया है आंद्रे रसल को अगर आप सिंपली चाहे तो आप यहाँ पर एरन थ्ज को जरूर कैप्टनशिप कैप्टनसी दे सकते हो या तो फिर मोइजिस एंड मिचल मार्श इवान लुइस आप एक चेंज ज़रूर कर सकते हैं इवान लुइस के पहले लंडन सीमेंट्स को ज़रूर ले सकते हो और यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से आप इन्हें ड्रॉप करके एलेक्स करिया निकोलस पुरन को ज़रूर ले सकते हो बॉलिंग में आपको ट्राई करना है हेजलवुड को और डीजे ब्रावो को और अगर यहाँ से कोई चांसेस पे पर एंड्रूट जेसन बैरेंड्रॉफ खेलते हैं तो आप उन्हें भी जरूर ट्राई कर सकते हैं जैसन बैरनड्रॉफ अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है ऑस्ट्रेलिया की टीम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है जेसन बैरेंड्रॉफ यहाँ पर सो ये आपको एक ध्यान में रखना ज़रूर है कैप्टनसी बैस कैप्टन से आप रोटेट कर सकते हो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में बताई है वापस आप देख लेना एक बार छः तो दो बार देख लीजिए क्योंकि अच्छा मैच है और बिल्कुल भी आपको घलाना नहीं है जी एल भी अच्छा खासा फोकस करना है अच्छी रैंक आएगी आशा करता हूँ मैं आपकी और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना फाइनल टीम ऑन टेलीग्राम चैनल गुड लक एंड हैव नाइस डे